नमल ही क्यों चूज किया आपने? इस्लामाबाद में इतनी अच्छी इकला बाकी यूनिवर्सिटी भी है, बहरिया चूज है, किया। हाँ जी उसका भी टेस्ट तो नमल क्यों चूज किया आपने? क्योंकि सबका टेस्ट दिए थे, मैंने कहा इसका भी दे दूं। इंटर में कितने मार्क्स हैं? सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। बहुत दूर से है। किसको कह रहे हो? मैं नमल को कह रहा हूँ, मैं फिर से आ गया हूँ, मेरी शक्ल पहचाने जरा। जाते हैं हम वहाँ पे, ठीक है, रास्ते में खेत आते हैं, दो तीन दरिया आते हैं, ठीक है, मुश्किल हो जाती है वहां तक पहुंचना, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और वहाँ बंदा तैयार होके जाता है, वहाँ जाके समझ ले एक मिट्टी का पहाड़ बना हुआ वहाँ पहुंचते हैं। हाँ मैथ्स को मशहूर है या कुछ और मशहूर है? और भी बहुत चीजें मशहूर है मगर मैथ्स को भी सी? बस वो छोड़ मसलन, बस छोड़ एक दो बता दें, बस छोड़ दे, बता दे एक दो बता दे। मसूरात वगैरह यहाँ पे बड़ी मशहूर है। मेरे तकरीबन 15-20 साल जाया हो गए, तो मुझे अभी 15-20 साल जाया हो गए जी बिल्कुल। किस चक्कर में जाया की है? बस इधर उधर नशे पे लग गया था, फिर वो मुझे। उम्र कितनी है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा पाकिस्तान के साथ, मैं हूँ बासित मलिक। नाज़रीन जब बच्चे इंटर करके बाहर आते हैं तो उनका एक बड़ा ख्वाब होता है कि हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में कोई एजुकेशन होती है, बहुत सारे ख्वाब लेके आते हैं। और आज मैं इस्लामाबाद नमल में मौजूद हूँ, मेन कैंपस में। तो यहाँ पे आज एडमिशन इंट्री टेस्ट जो होता है वो चल रहा है, बच्चे यहाँ पे टेस्ट देने के लिए आए हैं, मुख्तलिफ शहरों से, पूरे पाकिस्तान से बच्चे आए हुए हैं। आज बच्चों से हम सवाल करते हैं, बच्चे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए क्या मकसद लेके आए, किस लिए नमल में ही क्यों आए, एडमिशन लिया है, कुछ फनी से क्वेश्चन करेंगे। और बहुत सारे बच्चों से, बहुत सारे पाकिस्तान के लोगों से आपको मिलवाते हैं, डिफरेंट इलाकों से आए हुए बच्चों से। तो आज ही चलते हैं। हाँ यार, ये मुझे यहाँ पे लड़के मिले हैं जो बहरिया यूनिवर्सिटी को छोड़ के आ रहे हैं, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी को छोड़ के आ रहे हैं। तो मुझे आज बड़ा प्राउड फील हो रहा है भाई, हम नमल से हैं और नमल में दूसरी यूनिवर्सिटियों को बच्चे छोड़ के आ रहे हैं। तो भाई कहाँ से आए हो? सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। बहुत दूर से है भाई। किसको कह रहे हो? मैं नमल को कह रहा हूँ, मैं फिर से आ गया हूँ, मेरी शक्ल पहचाने जरा, इधर दिखाएं जरा, 3 सेमेस्टर के पहले निकाला था ये। मुझे आप बताएं, ये सात समंदर पार वाली कौन है? ये डिपार्टमेंट कौन है? मैं बता दूं, एक बीएस इंग्लिश में है भजन, एक बीएस इंग्लिश में है, दो बीबीए डिपार्टमेंट में है, ठीक है, और एक मैथ्स कॉम में है। ताशा भरी हुई है सीटें भाई के लिए, सीटें जो है ना, दो बीबीए में है, तीन नंबर है, हाथ अलग अलग से सीटें भाई ने हायर की है, दो तीन असाइनमेंट्स के लिए खाली रखी हुई है और बाकी भी बहुत आ रही है, टेंशन नहीं। चले हमारे पास कुछ मस्तूरात भी, हम इनको रोकने की कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज मी, नहीं नमल में आइए आप, कैमरे कैमरे इसकी इसके साथ ही आ जाए, ये सामने, चेहरे के सामने रख लें। टेस्ट कैसा हुआ आपका? अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। कौन से डिपार्टमेंट में एडमिशन ले रही हैं आप? मैथ्स कॉम में। ये हमारे डिपार्टमेंट की, हमारे डिपार्टमेंट में आएंगी और हम इनके सीनियर हैं, 5th 4th सेमेस्टर चल रहा है हमारा। तो क्या मकसद लेके आई हैं नमल में? मैथ्स कॉम ही क्यों चूज किया और नमल क्यों चूज की है? क्योंकि मीडिया है, मुझे इंटरेस्ट है उसमें, दैट्स व्हाई। और मीडिया की स्टूडेंट होने जा रही हैं और खुद को छुपा रही हैं कि कैमरे के सामने नहीं आना, तो ये तो आपका काम है, फिर छुप क्यों रही हैं आप? अभी एडमिशन हो फिर काम करेंगे, तब फिर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। जर्नलिस्ट बनना है? नहीं। हाँ रिपोर्टर, फिर मॉडलिंग में जाना है? ओ मे बी, अच्छा ऑप्शन है, मॉडलिंग में जाना है। हो दो, सकता दो है। आपकी पार्टनर आपको छोड़ के भाग गई, इनको वापस बुलाएं, इनको वापस बुलाएं, तब आपको छोड़ेंगे। वो नहीं आई, नहीं फिर भी बुलाएं ना, आ जाए ना वापस। नमल ही क्यों चूज किया आपने? क्योंकि ये जो नमल है इसमें कुड़ियाँ बहुत ज्यादा है, हमें कुड़ियाँ पसंद है, कुड़ियाँ भी शादी करने आए, शादी करने। अगर ये वीडियो आपके अब्बा देख रहे हो? बस देख के यार, हम तरसे हुए लोग हैं, वो भी इसको फील करेंगे कि हमारे बच्चे कितने हैं जो है वो। ये बाप का पैसा लगाने आए यहाँ पे, फ्री में हराम करने आए, ऐसे यही लोग होते हैं जो बिल जो है ना, पाकिस्तान का मुस्तकबिल हाँ। ऐसे लोगों के हाथ में है। तो नमल में मतलब आप लड़कियां सेट करने हैं, कितनी सेट करके जाएंगे? वो कहते हैं अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं, जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाजन, कहते हैं इस इल्म को अरबाब नजर मौत। इसका अब तशरी में ये बताता हूँ कि यहाँ पे जो है लड़कों ने लड़कियों का पेशन किया हुआ है। अच्छा आप बताएं आप कहाँ से आए हैं? मैं अभी तो कश्मीर से आया हूँ। नहीं नहीं, कौन सी यूनिवर्सिटी छोड़ गया? यूनिवर्सिटी छोड़ गया हूँ, वायरल तो नहीं हो जाएगी ज्यादा, अबे को नहीं पता। अच्छा मैं छोड़ गया हूँ वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी, 5वें सेमेस्टर। वफाकी उर्दू छोड़ के नमल में क्यों आए हो? मेन वजह बताओ क्यों आए? मेन वजह ये है कि वो जाके बन गई है किन्नौर जंगलात में, रास्ते में जाते हुए सफर करते हुए नल में मंगल होता है, मंगल वही सुने तो सही ना, हम बता रहा हूँ। जाते हैं हम वहाँ पे, ठीक है, रास्ते में खेत आते हैं, दो तीन दरिया आते हैं, ठीक है, मुश्किल हो जाती है वहाँ तक पहुँचना, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और वहाँ बंदा तैयार होके जाता है, वहाँ जाके समझ ले एक मिट्टी का पहाड़ बना हुआ वहाँ पहुँचते हैं। अच्छा तो नमल में आपको ये चीजें मतलब जंगल वंगल खेत? जंगल वंगल इधर भी आस पास है, नमल में नहीं है? अंदर नहीं है। कौन से डिपार्टमेंट में एडमिशन ले रहे हैं आप? अभी कौन से में हुआ हमारा?
भाई भाई को या भाई लेजेंड लेजेंड लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं है, टेस्ट दे के स्लिप दिखा दो भाई, मैं खुद बता देता हूँ देखने वालों को। ये भाई की जो है ना साइकोलॉजी, अबे साइकोलॉजी में जा रहे हैं भाई, साइकोलॉजी में 5 बच्चे होते हैं 50 बच्चे होते हैं, और सेकंड और जो सेकंड प्रायोरिटी है वो मैथ कम्युनिकेशन है। साइकोलॉजी में क्यों जा रहे हो? कसम से खुदा की कसम, खुद भी नहीं पता, नहीं कसम से नहीं पता, नहीं पता क्यों जा रहे। ये जा रहा था उसके पीछे, ये जाता उसके पीछे मैं लगा हूँ। आप भी साइकोलॉजी में जा रहे हैं? नहीं, मैंने मैथ्स कॉम कट कर दिया, साइकोलॉजी का दिया ही नहीं यार, ये यकी कर गए हैं, सॉरी ब्रो, सॉरी ब्रो, यकी नहीं की। अच्छा ऐसा कुछ कहना तो नहीं, नहीं कह रहा यार, ये मेरे साथ फ्रॉड कर गया है, ठीक है, अब मैं पीडीएम बिठाता हूँ इसके खिलाफ, ठीक है। ये मैथ्स कॉम में जाके टेस्ट देने बैठे, उन्होंने साइकोलॉजी में बच्चा लिया था बेड़ा। ये तो मेरे से सवाल कर रहे हैं, नहीं इसमें बच्चा और बेड़ा कहाँ से आ गया भाई, ईद तो गुजर गई, ईद गुजरी ना, आपने गोश्त नहीं बचाया। आज जनरल में क्वेश्चन पूछा गया, आपने बच्चा लिया बेड़ा लिया, ये उसमें पेपर में पूछा गया, दांत लिया, जो बनता है वो तो बनता है। नमल में अजीब अजीब से सवाल आए थे भाई, बकरा ईद पे आपने बच्चा लिया था, बच्चा लिया था बेड़ा लिया था। मेरे से तो बोलना भी नहीं हो रहा, लेकिन यार बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि नमल में जो है ना बड़ी दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं। एक और भाई भी मेरे साथ हैं, ये देख रहे हैं थोड़े से शर्मा भी रहे हैं। भाई कौन से डिपार्टमेंट में एडमिशन ले रहे हो? एडमिशन लिए यार, सारे ही मैथ्स कॉम में एडमिशन ले रहे हो, क्यों? बस नमल का मैथ्स कॉम मशहूर है इसलिए। हाँ मैथ्स कॉम मशहूर है या कुछ और मशहूर है? और भी बहुत चीजें मशहूर है मगर मैथ्स कॉम भी, बस वो छोड़ एक दो बता दें, बस छोड़ दे, बता दे एक दो बता दे। मस्तूरात वगैरह यहाँ पे बड़ी मशहूर है। अच्छा मस्तूरात, बड़ा गहरा लफ्ज आप भाई ने यूज किया उर्दू का, बड़ा मस्तूरात। जी जी, तो मस्तूरात के लिए आए? नहीं नहीं, पढ़ने के लिए आए। क्या मकसद लेके आए नमल में? मकसद ये लेके आए कुछ सीखेंगे औरों को भी सिखाएंगे, अपनी तरफ से जो हमें आता है वो सिखाएंगे। क्या आता है? बहुत कुछ आता है सर, आज छोड़ दे, मतलब मसलन बता देना क्या क्या आता है, ताकि लोग यहाँ से भी सीख लें, आपसे रब्ता कर लें। बिल्कुल नहीं, मुझसे रब्ता नहीं सर, आप ज्यादा सीनियर लोग हैं जी। भाई हमारे थ्रू लोग आपसे रब्ता कर लेंगे ना। अच्छा अच्छा, बस यही है कि थोड़ा बहुत मीडिया वगैरह के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं मीडिया के बारे में सर? सोशल मीडिया को रन किस तरह करते हैं? अच्छा किस तरह से रन करते हैं, चलें भाई से हम थोड़े गाइड ले लेते हैं भाई, सोशल मीडिया को किस तरह से रन करते हैं सर? इस तरह रन करना चाहिए कि हमेशा डिसेंट कंटेंट और एक अच्छी कंटेंट जो कि हर किसी को इन्फॉर्मेशन दे सके, हर किसी के लिए फायदेमंद। भाई हमारे बड़े सूटेड बूटे लेके होके आए हैं, लगता है इन्होंने कोई 3-4 बच्चियां तो इम्प्रेस कर ही दी होंगी भाई ने। भाई बताइएगा कौन से डिपार्टमेंट में आप एडमिशन ले रहे हैं? मैं IR में टेस्ट दिया है। IR में टेस्ट दे दिया है, क्या मकसद लेके आए IR में एडमिशन लेके, लेने के बाद क्या करेंगे? IR बेसिकली होता है या इंटरनेशनल रिलेशन, तो मतलब स्पेशली मेरा मकसद ये है कि मैं कमीशन पे जाऊँ, जैसे CSSPMS एग्जाम्स होते हैं। चले नमल में आने वाले बच्चों को कोई पैगाम देना चाहें आप? नहीं मैं खुद नमल। अच्छा अच्छा, यूनिवर्सिटी अच्छी है, मुझे क्लासरूम अच्छे लगे। क्लासरूम एसी नहीं है? आपके अच्छे इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा, तो आगे डिग्री लेनी है आपने माशाल्लाह, तो डिग्री लेके जानी है इंशाल्लाह। भाई का मैं कॉन्फिडेंस देख रहा था, भाई लगातार जवाब दे रहे हैं, भाई का कॉन्फिडेंस बहुत बेस्ट है। बच्चे आते हैं पहले दिन बड़े घबराए हुए होते हैं, वो जब एडमिशन हो जाता है टेस्ट के दिन तो बिल्कुल ही घबराए हुए होते हैं, लेकिन भाई का कॉन्फिडेंस जो है ना बड़ा बेस्ट है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपने नमल से इंशाल्लाह बहुत कुछ लेके जाना है, भाभी भी लेके जानी है, चलें वो और हमारी भाभी और उसके बाद डिग्री भी लेके जानी है। ठीक है सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।